नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7। मीरापुर बसई उद्योग व्यापार मंडल द्वारा लगाया गया निःशुल्क प्याऊ। मीरपुर बसई उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आज मीरापुर बसई चौराहा स्थित संगठन महामंत्री किशन सेठ के सुंदरम ज्वेलर्स पर निःशुल्क प्याऊ लगाया गया। व्यापार मंडल की अध्यक्ष अनीता पटेल ने बताया कि क्षेत्र में जगह जगह निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है, जिसमें आम जनता को पानी मिल सके। प्याऊ लॉर्ड कृष्णा स्कूल के चेयरमैन अमित श्रीवास्तव जी के सहयोग से लगाया गया। उक्त कार्यक्रम के व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष संग्राम सिंह पटेल, संगठन मंत्री किशन सेठ, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नेहा सिंह चौहान, संरक्षक महेश्वर सिंह, व्यापारी सतीश सोनकर, प्रवीण पटेल, सूरत मास्टर मनोज पटेल के साथ अन्य व्यापारीगण भी मौजूद थे। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के लिए मुकेश पांडे, वाराणसी। क्या कहेंगी प्याऊ बहुत लगा, क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि हमारे सभी भाई बंधुओं के लिए प्रयास जारी है और हम लोग पूरी निष्ठा से इसे निभाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अध्यक्ष जी। अनीता पटेल, अध्यक्ष मीरापुर बसई उद्योग व्यापार मंडल। क्या कहना चाहेंगी आज प्याऊ लगाने की व्यवस्था हुआ? आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज नवरात्रि का आठवां दिन है। मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों पर और मीरापुर बसई व्यापार मंडल के सभी व्यापारी बंधु और आते जाते रास्ते के जितने भी हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिक, उन लोगों के लिए यह विशेष जो प्याऊ का घड़ा रखा गया है सबके लिए, ताकि इतनी तपती धूप में सबको पानी निःशुल्क मिल पाए। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा अगर आदमी खाना ना खा पाए, लेकिन पानी उपलब्ध हो तो काफ़ी इससे सबको राहत मिलती है। इस गर्मी को देखते हुए हम लोग अपने मीरापुर बसई व्यापार मंडल की तरफ से हर जगहों पे प्याऊ का ध्यान में एक प्रोग्राम। मैम, प्याऊ की अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि प्याऊ लगने को तो लग जाता है, लेकिन उसमें पानी की सुविधा जो है पूरी तरीके से लोग नहीं करते हैं। ऐसे में आप लोग जो प्याऊ लगाए हैं, इसमें आप लोग क्या पूरी तरीके से जो आप बोल रही हैं कि हम गर्मी में इस तरीके का काम करेंगे, वो पूरा करेंगी? बिल्कुल, जो आपका सवाल है बहुत सही सवाल, क्योंकि लगाने के बाद लोग इसको व्यवस्थित ढंग से रख नहीं पाते, क्योंकि वो बड़ा है तो टूट फूट जाता है। तो इसीलिए हम लोग कुछ चिन्हित सम्मानित लोगों के दुकान के पास, अपने व्यापारियों के पास रखते हैं, ताकि वो दिन में पानी लेके सुबह जब अपना दुकान खोले उसमें पानी स्वच्छ और साफ भरे, फिर शाम को जब अपने दुकान को बढ़ाते हैं तो उसको अंदर मट्टी को अंदर रख दें, ताकि पुनः दूसरे दिन उसका फिर से प्रयोग किया। चैनल के माध्यम से काशीवासियों को क्या संदेश देंगे? चैनल के माध्यम से हम अमित श्रीवास्तव, हमारा बगल में स्कूल है न्यू लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल। आज यहाँ पे किस तरह का वगैरह का व्यवस्था किया गया है? इससे पहले भी हमको ऐसा लगा था कि कम से कम जो रास्ते पे चल रहे हैं, जिनको पानी पीने के लिए पैसे देना पड़ता था कि कम से कम मिठाई की दुकान पर जाएँ खरीदें और तब पानी प्याज बुझा पाते थे, उनके लिए कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जो ना दे पाए या जो सब सक्षम नहीं है वो निःशुल्क पानी पी सके, उनको यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। अभी ये पहला निःशुल्क प्याऊ आपकी तरफ से लगाया गया है यहाँ पर? हमारे तरफ से नहीं, ये सबके सौजन्य से लगाया गया है। और आगे कहाँ कहाँ लगेगा? अभी पूरे मार्केट में कम से कम मीरापुर बसई व्यापार मंडल जितना क्षेत्र है हर जगह कम से कम लगना चाहिए, लगेगा। क्या कहना चाहेंगे इसको? ये प्रयास काफ़ी अच्छा है और होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, सभी लोगों को लगाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। संगठन महामंत्री मीरापुर बसई उद्योग व्यापार मंडल से आज क्या कहेंगे? प्याऊ का उद्घाटन है आपके यहाँ आज, हमारी जो है संरक्षक और महिला अध्यक्ष अनीता पटेल और संगठन की महिला अध्यक्ष नेहा चौहान जी और कृष्णा पब्लिक स्कूल के अधिष्ठाता अनिल श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में जो है आज प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। हर साल की अपेक्षा इस बार भी हम लोग लगाए हैं और हम लोग व्यवस्थित तरीके से लगाते हैं, उन्हीं व्यापारियों के यहाँ लगाते हैं जो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है, डेली पानी चेंज करना, बदलना और जो भी राहगीर आ रहे हैं उनके लिए पानी उपलब्ध कराना। अध्यक्ष जी, प्रचंड गर्मी है, भीषण है, क्या इसमें गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ करके सब चीज़? हाँ, सरकार को पहल करनी चाहिए। जैसे जिस हम देखते हैं कि बहुत सारी दुकानों पे आप आपको आसानी से कोल्ड ड्रिंक मिल जाते हैं, सरकारी कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे कि राहगीरों को पानी की व्यवस्था जो है, सरकारी कोई सरकारी टैंकर हो जो
क्षेत्र में चक्रमण करते रहें, पानी की व्यवस्था मिलती है। ठीक है।